तीन साल से तो इनका पूरा शरीर फूल जाता था, लगता तो मर जाएगी, लोग बोलते थे मर जाएगी, चलो दवा कराने, ये तो फूल जाता है पूरा पैर फूल जाती है, देखिए डॉक्टर दवा करा रहे थे, डॉक्टर बोले भैया आप दवा मत कराइए, आपको लेकर चलते हैं वहीं, हम डॉक्टर हमको लेकर चले आए, चार चक्का से ही छोड़ दिया। बागेश्वर धाम पर अक्सर चमत्कारों की घटनाएं सामने आती हैं। यहाँ स्वयंभू बालाजी विराजे हैं जो लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। अब एक शख्स की पत्नी लंबे समय से बीमार थी, लेकिन बागेश्वर धाम पर बालाजी की कृपा से अब उनकी तबीयत ठीक हो गई है। वे यहाँ आकर काफ़ी प्रसन्न हैं और इस स्थान की महिमा को बता रहे हैं। मामला सोनभद्र उत्तर प्रदेश से जुड़े एक ट्रक ड्राइवर के परिवार का है। सोनभद्र में रहने वाले अमरेश की पत्नी सितारा कथित तौर पर प्रेत बाधा से पीड़ित थीं। इसके कारण उनके शरीर में जबरदस्त दर्द रहता था और उन्हें जकड़न होती थी। विदेश भर के कई स्थानों पर इलाज के लिए गईं, फिर उन्हें एक डॉक्टर ने ही कुछ नेगेटिव एनर्जी से परेशान होने की बात कहकर बागेश्वर धाम भेज दिया। बागेश्वर धाम पर हनुमान जन्मोत्सव के समय पहुंचे इस परिवार ने भगवान बालाजी से गुहार लगाई और फिर देखते ही देखते उनकी अर्जी स्वीकार हो गई। सितारा और उनके पति अब इस बात को लेकर काफ़ी खुश हैं कि उनके शरीर की तकलीफ दूर हो गई है और जिस कष्ट को वे पिछले कई वर्षों से झेल रहे थे उस कष्ट से उन्हें अब मुक्ति मिल गई है। तीन साल से तो इनका पूरा शरीर फूल जाता था और गर्मी से जो था प्रेत लोग तो बोलने लगे। इसके बाद हम लेकर आए यहाँ गुरुजी के पास, सुने के यहाँ जाएंगे तो इसको कोई दवा नहीं कराया, एकदम लगता था मर जाएंगे, लगता तो मर जाएंगे, लोग बोलते थे मर जाएगी, चलो दवा कराने, तो हम कहा नहीं दवा नहीं कराएंगे, हम जाएंगे बजरंगबली। यहाँ बजरंगबली के पास आए, सब कुछ एकदम सही हो गया, कपड़ा साफ करते सारा काम करते, केवल दो ओझा के पास देख पाए, 10,000 खर्चा हुआ, इसके बाद हम नहीं गए कहीं, बस यही हर महीने आए। कब आए थे यहाँ पर, कितने दिन हो गए? क्या नाम है वो जन्मोत्सव का, हनुमान जन्म, हनुमान जयंती अप्रैल में था ना, एक अप्रैल को आए थे, 2 अप्रैल को हनुमान जयंती था, उसी दिन बैठे, पहले तो 1 अप्रैल का आए तो वहीं पहुंच गए गुरु जी, तो 2 अप्रैल को मिले हनुमान जयंती दिन, हम वहीं मंदिर में पहुंचे, दिन को आराम 1 घंटा में आराम होने चले गए, 1 घंटा में फूल जाता है पूरा पैर, फिर जल्दी देखिए किसी तरह का शुल्क यहाँ दक्षिणा लगी आपको? उनका दर्शन करते करते अच्छा भभूति भी लगाई, और भभूति वहाँ से राम भंडार से भभूति भी लेते थे, और दर्शन हम केवल दर्शन बजरंगबली जाते थे डेली, 19 दिन रह गए थे, 19 दिन रह गए, एकदम आराम हो गया। अब कितना आराम महसूस हो रहा है आज आपको? मतलब 80% आराम। आप करते क्या हैं? हम ट्रक चलाते हैं, दो जगह गए बस, इसके बाद वापस आ गए, वो लोग हम बोले कहीं नहीं जाएंगे, एक डॉक्टर दवा करा रहे थे, डॉक्टर बोले भैया आप दवा मत कराइए, आपको लेकर चलते हैं वहीं, हम डॉक्टर हमको लेकर चले आए, चार चक्का से ही छोड़ दिया। अच्छा MBBS डॉक्टर थे? हाँ इन पे पूरा MBBS डॉक्टर, बोले हम ये सोनभद्र के थे, वो जो आप कोतवाली देख रहे हैं, कोतवाली के बगल में वो है पंचशील अस्पताल, उस पंचशील अस्पताल है, उसी में वो है राहुल विश्वकर्मा अच्छा डॉक्टर हैं, और मऊरा के हैं, वहीं कहे भैया दवा नहीं करेंगे अब आपको, हम चलिए लेकर चलते हैं। डॉक्टर ही आपको बागेश्वर धाम लेकर आए थे? वो दवा करे, वो बोले कि अब दवा हमारी नहीं काम करेगी, पहचान गए वो, हम तो पहचानते नहीं थे, हम बाहर रहते थे तो गाड़ी चलाते, वो पहचान गए, कहीं उनको प्रेत बाधा है, चलो लेकर चलते हैं बजरंगबली के पास, और वो लेकर आए तो 1 घंटा में आराम हुआ, कि तो हम कहा डॉक्टर साहब आप जाइए, हम यहीं रुक जाते हैं, तो हम 19 दिन रुक गए, इसके बाद गए जब उनको पूरा आराम हो गया, लेकिन 20 दिन में प्रेत लोग फिर लगे परेशान करने, तो हर महीने आते हैं। किस तरह की समस्या थी, क्या दर्द आपके शरीर में होता था, क्या सब कुछ इन्हीं कहा, गुरु है यही, माता पिता है, सब कुछ इनके अलावा कोई नहीं, पूजा कर ले जा घर में, कोई नहीं है इनके अलावा, पूजा कोई ना, पूजा कर।